हमने पिछले वीडियो में ऐप को डाउनलोड करने की प्रक्रिया जानी थी। अब चलते हैं इसके दूसरे चरण में। ऐप डाउनलोड होने के बाद जब आप पहली बार उसे खोलेंगे तो आपको एक बार पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ये केवल एक ही बार करना होता है। पहली बार लॉगिन पर आपको फोटो और मीडिया फोल्डर की अनुमति देनी होगी, इस तरह। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर डालना होगा। इस प्रक्रिया के बाद लॉगिन करना है। आपको एक अभिभावक की तरह से लॉगिन करना है, तो आप पेरेंट के विकल्प को चुनेंगे और एक OTP डालकर लॉगिन करना होगा, जो आपके दिए गए नंबर पर आ जाएगा। OTP डालने के बाद आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यहां आप अपने व्यक्तिगत विवरण को भरेंगे, जैसे कि आपका नाम और उपनाम, आपका राज्य, आपके बच्चों का बोर्ड और स्कूल का UDIS कोड। अगर यहां कोई समस्या हो तो आप अपने बच्चों के शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। यहां याद रखें, आपके बच्चों के स्कूल का UDIS कोड डालना अनिवार्य तो नहीं है, पर जरूरी है। आपको आगे जाके इसकी जरूरत होगी और उस प्रक्रिया को ये आसान कर देगा। अगर किसी वजह से आपके पास UDIS कोड ना हो तो घबराए मत, आप ये अपने बच्चों के शिक्षकों से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आपका बैठक आपके लिए बिल्कुल तैयार है ना आसान?